बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे, और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का मेरा विज़िट चाइना मार्केट की तरफ है, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ शॉप से उनकी वीडियोस बनानी थी अपने दूसरे चैनल के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज का व्लॉग जो है इसी साइट का ही बना लेती हूँ। तो अभी हम लोग वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं, अभी हम लोग रास्ते में हैं, और यहाँ पे जो है हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, सड़कें गीली हैं और हल्की हल्की सी ठंड है, और बहुत ही मौसम अच्छा है। जिस वक्त हम लोग घर से निकले थे उस वक्त तो कोई बारिश का प्लान नहीं था, लेकिन जैसे ही हम इस एरिया में एंटर हुए तो यहाँ पे बारिश भी हो रही थी और रोड्स भी जो गीले थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, और नोटिफिकेशन टू ऑल को आपने प्रेस करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको तीन किस्म की बेल नज़र आएंगी, तो आपने सबसे ऊपर वाली बेल को जो है उसको क्लिक करना है। ऐसे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी और आप मेरी वीडियो को देख सकेंगे। तो मैं इस जगह पर पहुँच गई हूँ जहाँ पर मुझे जाना था। तो ये है उसके सामने का व्यू, मैंने दूर से लिया था। सामने उसके बिल्कुल एक जो है जिस बिल्डिंग में मैंने जाना था उसके बिल्कुल सामने पे सेवर फूड्स हैं, जो कि बहुत ही फेमस हैं, और यहाँ का जो फूड और जो उनकी डिशेस होती हैं वो काफ़ी फेमस भी हैं और काफ़ी टेस्टी भी होती हैं। तो यहाँ पे बारिश की वजह से जो है काफ़ी रश इतना नहीं है, लेकिन नॉर्मल यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और यहाँ पे चेयर्स वगैरह बाहर लगी होती हैं और यहाँ पे लोग जो है आके बैठ के अपने पसंद का फूड कोई भी जो उनको पसंद है वो खाते हैं। फ़िश है, कढ़ाई है, जो भी है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि इस काफ़ी सारी डिशेज़ हैं, और यहाँ पे चिकन वगैरह इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं और फ़िश वगैरह फ्राई हो रही है, क्योंकि सर्दी का सीज़न है तो इस तरह की चीज़ें बहुत इस सीज़न में खाई जाती हैं। तो ये है वो जगह जहाँ पे मुझे जाना था, ये है प्लाज़ा, अल बाबर प्लाज़ा। तो यहाँ पर मैं जो है आई हुई हूँ और उसके बेसमेंट में मैंने जाना है। तो यहाँ इस प्लाजे में मैं ख़ुद जो है फ़र्स्ट टाइम आई थी, हालांकि मैं ख़ुद जो है यहाँ की रहने वाली हूँ रावलपिंडी की, लेकिन मैं यहाँ पे कभी साइड पे नहीं आई। तो आज तो नहीं, लेकिन पिछली दफ़ा जब मैंने यहाँ पे एक शॉप है गैलेक्सी बैग, तो उनकी जब मैंने वीडियो शूट की तो फ़र्स्ट टाइम मैं इस प्लाजा में आई थी। तो अब मैं सेकेंड टाइम यहाँ पर आई हूँ। तो यहाँ पे जब तक मैं शॉप पे जाती तो मैंने यहाँ पे जितनी शॉप्स हैं उनको भी मैंने कहा चलो आपको दिखाती जाऊँ, ताकि जिस तरह मैं नहीं जानती थी कि इस ये भी कोई प्लाज़ा है, यहाँ पे भी कुछ शॉप्स हैं, तो उस तरह बहुत से लोग ऐसे होंगे मेरी तरह जो नहीं जानते होंगे कि यहाँ पे भी जो है काफ़ी सारी शॉप्स हैं। तो मैंने कहा मैं आपको भी साथ साथ दिखाती चलूँ। ये अलकरम शॉप है, और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये बच्चों के शूज़ हैं। इस तरह यहाँ पे एक ये शॉप है फैंसी ड्रेसेस की, और ये देखिए मैक्सी वगैरह लगी हुई हैं। तो मैंने बाहर बाहर से ही मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो ये वो शॉप है जहाँ पे मेरा जो मेन जो विज़िट था वो था गैलेक्सी बैग की तरफ। तो ये बिल्कुल उसके सामने एक कोई शॉप है, यहाँ पे बड़े अच्छे फैंसी ड्रेसेस और मैक्सीज वगैरह मैंने देखे थे, तो बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ पर। तो अब मैं जो है इस शॉप के अंदर जाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे हर किस्म के आपको बैग्स की वैरायटी मिलेगी। ये देखिए ये अंदर का इसका व्यू है। तो इस शॉप का मैंने विज़िट किया है, और इस शॉप की मैंने दो वीडियो जो है अपलोड कर चुकी हूँ, जिनमें आपको जो है डिफरेंट किस्म के बैग्स की वैरायटी दिखाई है। और मैं आपको बता दूँ कि इस शॉप के बैग मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और इनकी प्राइजेस बहुत ही मुनासिब हैं। बल्कि मैं यहाँ से ख़ुद भी शॉपिंग करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, मेरे भी यहाँ पर बैग्स देखे मुझे बहुत पसंद आए हैं। तो यहाँ से वीडियो शूट करने के बाद फिर मैं आगे जा रही थी दोबारा जिस जगह पे मैंने जाना था। तो ये भी रास्ते में हम लोग फिर जा रहे हैं उस तरफ, तो ये अभी हम वहाँ से गुज़र रहे हैं। तो यहाँ से गुज़रते हुए फिर मैंने थोड़ा सा जो है मैंने कहा थोड़ा सा कैमरा जो ऑन कर लूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। ये चाइना मार्केट जो है काफ़ी फेमस है, और काफ़ी जो है यहाँ पे रश होता है गाड़ियों का, मोटरसाइकिल्स का, लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश होता है। और ये काफ़ी पुरानी जो है चाइना मार्केट जो है और रावलपिंडी की बहुत ही पुरानी और फेमस जो है मार्केट है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको खूबसूरत फैंसी ड्रेसेस मिलेंगे। तो ये बाहर का व्यू है, यहाँ पे ये देखिए एक पठान भाई की रेड़ी लगी हुई है, और वहाँ पे उनका जो है ये ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। इसके अलावा बाहर भी लोगों ने कुछ शॉप्स वालों ने बाहर भी जो है छोटे छोटे से
हैंगर्स में कपड़े लगा के इस तरह अपनी मतलब वो जो है अपनी सेल कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये एक प्लाज़ा था, ये प्लाज़ा है बीजिंग प्लाज़ा। तो दूसरा मैंने यहाँ पे भी आना था, तो ये इसका बेसमेंट है और ये अब मैं जो है इसके अंदर जाऊंगी। तो यहाँ पे भी आपको इस प्लाज़ा में भी आपको बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस की वैरायटी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे बेडशीट्स की भी एक शॉप थी। तो अब यहाँ पे जब विज़िट करेंगे तो काफ़ी यहाँ पे प्लाज़ा हैं और काफ़ी शॉप्स हैं। ज़्यादातर तो यहाँ पे फैंसी ड्रेसेस के लिए चाइना मार्केट जो है बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे बहुत अच्छे खूबसूरत और रीज़नेबल प्राइस में आपको जो है फैंसी ड्रेसेस मिल सकते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो मैं बीजिंग प्लाज़ा की तरफ आई हूँ, ये बीजिंग प्लाज़ा का बेसमेंट भी है क्योंकि बेसमेंट पर भी यहाँ पर शॉप्स हैं। तो यहाँ पे बीजिंग प्लाज़ा नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे प्लाज़ा हैं और जिन पे मैं अक्सर विज़िट करती रहती हूँ और आपको उनकी मैंने डिफरेंट शॉप्स का जो है विज़िट करवाया है, उनकी जो है फैंसी ड्रेसेस वगैरह की जो है वीडियोस मैंने अपने दूसरे चैनल ब्यूटी एंड व्लॉग्स पे अपलोड की हुई हैं। तो उससे जो है आप लोगों को काफ़ी अवेयरनेस हो जाती है कि कौन सी शॉप है, कहाँ से शॉपिंग करें, कौन सी वैरायटी कहाँ पर मिलती है। तो इस हवाले से उस चैनल पर मेरी काफ़ी वीडियोज़ अपलोड हैं। तो ये देखिए, यहाँ तो सिर्फ मैंने आपको सिर्फ जो है विज़िट करवा रही हूँ कि आपको दिखा सकूँ कि चाइना मार्केट में जो है किस तरह की है और किस तरह के उस पर वैरायटी और प्लाज़ा वगैरह हैं। तो ये देखिए, इसी तरह के काफ़ी सारे प्लाज़ा यहाँ पे बने हुए हैं क्योंकि मेरा विज़िट सिर्फ इस तरफ था तो मैंने इधर का ही क्लिप शूट किया है, बाकी एरिए में मैं नहीं गई। इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ साथ डिफरेंट प्लाज़ा और एरिया का विज़िट करवाती रहूँगी यहाँ पे भी। तो ये देखिए, ये एक शॉप है जहाँ पे काफ़ी वैरायटी फैंसी गोटे वाली मुकेश वाले फैंसी ड्रेसेस और उसके अलावा यहाँ पे लीलन के भी, मरीना के, हर किस्म की वैरायटी आपको एक ही छत के नीचे जो है आसानी मिल सकती है। और अगर आप यहाँ पे जो है पाकिस्तान से दूर हैं तो आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि आजकल हो भी रही है ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि डिफरेंट चैनल्स पे चाइना मार्केट की डिफरेंट शॉप्स की वैरायटी दिखाई जाती है और साथ फ़ोन नंबर भी दिया जाता है जिससे आप लोग जो है इजीली शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन भी। तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक शॉप थी, तो यहाँ पर हम लोग वीडियो बनाने गए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने, भाई साहब ने हमें सूप पिलाया था क्योंकि सर्दी थी। और ये यहाँ पे एक शॉप है जिसके ये ड्रेसेस हैं गोटा वाले, और यहाँ इनका भी मैंने जो है वीडियो जो है मैंने बनाई है। तो यहाँ की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हैं। ये बेडशीट्स हैं और इसके अलावा भी काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे। अब नेक्स्ट प्लाज़ा जो आप देख रहे हैं ये है न्यू चाइना मार्केट। इस प्लाज़े का नाम भी चाइना मार्केट के नाम से ही है और ये भी बहुत ही फेमस प्लाज़ा है और यहाँ पे भी आपको जो है डिफरेंट वैरायटी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको फैंसी ड्रेसेस, वेलवेट के ड्रेसेस, लची के ड्रेसेस, वेलवेट की शॉल्स और फैंसी फ्रॉक और मैक्सी वगैरह की जो वैरायटी होती है। और इसके अलावा इसी प्लाज़ा में आपको जो है गाउन और अबाया और स्कार्फ वगैरह की वैरायटी भी देखने को मिलेगी। तो इस प्लाज़ा में मेरा जो है एंड में टूर हुआ था और यहाँ से मैंने जो वीडियो शूट करने के बाद फिर हम लोगों ने घर जाना था। तो यहाँ पे भी मैंने जो वीडियो शूट की है वो आप जो है मेरे दूसरे चैनल पे ब्यूटी एंड व्लॉग्स पे देख सकते हैं। ब्यूटी एंड व्लॉग्स पे मेरी जो है जितनी भी वीडियोस हैं वो उन पे आप जो है डिफरेंट वैरायटी देखेंगे, उनकी डिटेल और प्राइस वगैरह भी आपको वहाँ पे मिल सकती है। तो इसके बाद हम लोगों ने काम ख़त्म किया था और घर जाने के लिए हम लोगों जो यहाँ से बाहर निकल आए थे और हम यहाँ से अब हम लोग जो है घर जा रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।